गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। और आगे सभी लोग? यस सर। आज अपन देखते हैं पाइथन में पिछला जो देखा था अपन ने मैप देखा था, आज अपन देखते हैं फिल्टर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? फिल्टर फंक्शंस देखेंगे अपन। अमित आप लोग काम करके नहीं भेजते कोई भी स्टूडेंट? अगर भाई काम नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, कैसे सीखोगे बताओ यार। सिर्फ एक स्टूडेंट सुमित के अलावा किसी ने भेजे नहीं प्रोग्राम का, क्यों नहीं कर रहे भाई प्रोग्राम? क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्यों नहीं काम क्यों नहीं करना चाह रहे बताए भाई, क्या प्रॉब्लम है? विजया क्यों नहीं काम करना चाह रहे? मालती सर किए हैं सर, कल भेजी थी सर। देखेंगे पर अभी एक ही मेरे पास अभी एक ही आया स्टूडेंट्स का, और बाकी स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किए? अमित यस सर। बेटा काम नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे भाई, काम करोगे तभी देखे। आप काम करोगे आपके क्वेश्चंस उठेंगे, प्रॉब्लम आएगी तब आप पूछोगे, तभी तो आप सीखोगे ना। तो इस तरह कैसे सीखोगे आप लोग अगर काम नहीं करोगे तो? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपन, ठीक है? कर रहे हैं सर, सारे कंप्लीट करिए, ठीक है? चलिए आज अपन देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन अपने पास है फिल्टर फंक्शन। देखिए फिल्टर फंक्शन अपने पास क्या करता है, ये हमारा फिल्टर मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? किसी चीज को छानना, निकालना, फिल्टर करना। तो वैसे ही हमारे पास, जैसे इसमें भी हमारे पास जो ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, और इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, और इसके अंदर हम पास करते हैं सीक्वेंस ऑफ डेटा। यानी जैसे लिस्ट में डेटा पड़ा है, किसी अरे में डेटा पड़ा है, उन डेटा को अपन कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पास होती है वो टू आर्ग्यूमेंट्स पास होती है, और पहली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को क्या करता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को देखता है कि किस एलिमेंट का कैसा सीक्वेंस है, यानी आपने कौन सी कोडिंग कर रखी है और किससे आपको एलिमेंट निकालने हैं। अब देखिए इससे एक हम प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि एक हमारे पास अरे है, उसमें हम कई एबीसीडी टाइप से डाल देते हैं, और उसमें हम चेक कराते हैं कि नंबर ऑफ बॉबल्स कितने हैं। इसका चेक करने का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं थ्रू किसके, फिल्टर कमांड के थ्रू इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे करते हैं अपन, तो अपन स्क्रीन को खोल लेते हैं, स्क्रीन को शेयर करा देते हैं। स्क्रीन दिख रही सभी को? स्क्रीन दिख रही बेटा सभी को? सुमित यस सर क्लियर। चलिए अब अपन कोडिंग करते हैं। अपन यस सर दिख रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने एक लिया यहाँ पे लेटर्स नाम से एक लिस्ट बना लिया, क्या बना लिया, एक लिस्ट बना लिया, एलिमेंट जैसे डाल दिया अपन यहाँ पे ए, क्लियर, कॉमा, बी, इस टाइप से कोई भी एलिमेंट आपने डाल दिया यहाँ पे डी, जे, के, स्टेप से जो भी एलिमेंट आपको डालने हैं, स्टेप सपोज एलिमेंट आपने डाल दिए, क्लियर। अब अपने पास क्या है, एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शंस में अपन काउंट करवाते हैं कि नंबर ऑफ बॉबल्स कितने अपने पास, क्या नंबर ऑफ बॉबल्स कितने। तो हमने एक फंक्शन यहां पे डिफाइन किया टेफ, फंक्शन का नाम दे दिया बॉबल्स, काउंट बॉबल्स, काउंट बॉबल्स। इसके अंदर अपन ने पास कर दिया लेटर, ये एक इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, क्लियर। अब यहां पर हमने क्या किया बॉबल्स, अब बॉबल्स क्या किया हमने, इसमें एक डिफाइन कर दिया एक अरे के अंदर। तो बॉबल्स हमारे पास कितने होते हैं, फाइव, ए, E, I, O, और एक क्या होता है अपने पास, U।
इतने अपने पास वॉवल्स होते हैं। ठीक, अब अपन ने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया, क्या किया अपन ने, इफ कंडीशन लगा दिया, क्लियर। तो अपन ने यहां दिया इफ, क्या किया, लेटर 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 इन बॉबल्स, अगर ये हो, लेटर इन बॉबल्स हो, अगर इनमें से कोई मैच करे तो रिटर्न, यहां से हमने क्या कर दिया, रिटर्न टू, क्या कर दिया, रिटर्न हमने यहां से। उसके बाद हमने यहां क्या दिया, एल्स, एल्स यहां पर हमने दे दिया रिटर्न फॉल्स, ये हमने यहां से प्रोग्राम बना, ठीक है। उसके बाद अपन मेन फंक्शंस में आए, अपने मेन कोडिंग में आए। अब अपन ने क्या किया यहां पे, फिल्टर फिल्टर्ड बॉबल्स इक्वल टू फिल्टर कमांड, और फिल्टर कमांड के अंदर अपन ने जो ऊपर फंक्शन पास किया था, किस नाम से, काउंट बॉबल्स, कौन सा फंक्शन है, काउंट बॉबल्स, काउंट बॉबल्स कॉमा, किससे काउंट करना है, लेटर से काउंट करना, किससे काउंट करना, लेटर से काउंट करना। अगर ये अपन को मिलता है, ये अपन को अगर मिलता है तो अपन यहां पे एक मैसेज देते हैं, प्रिंट प्रिंट द फिल्टर्ड फिल्टर्ड बॉबल आर, यहां पर अपने चला दिया फॉर बॉबल इन फिल्टर्ड बॉबल्स, और यहां पर हमने क्या किया, प्रिंट, ये हमने एक प्रोग्राम यहां से बनाया, रन कराते हैं, ये और समझा देंगे एक बार। ये देखिए हमारे पास ए आई ओ यू, ये इतने बॉबल्स इसके अंदर है, ए आई ओ यू, सिर्फ इतने ही है इसमें, क्लियर। इतने बॉबल्स हमें इसके अंदर मिले, किस स्ट्रिंग के अंदर, जो स्ट्रिंग हमने यहां से पास की, यानी ये हमने यहां से स्ट्रिंग पास की, जिसमें इनसे आप देखिए यहां पे प्रोग्राम समझते हैं, ये हमने यहां पे क्या बनाया हुआ, लिस्ट बनाया, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर आप चाहे जितने नंबर ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स आप पास कर लिए, जो भी आपको यहां से पास करने, क्लियर। जैसे हमने इसके अंदर मान लो पास कर दिया एल, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आपको लेने हैं एलिमेंट अपने, उसके बाद अपन ने क्या किया, इफ सॉरी डेफ काउंट बॉबल्स लेटर्स, एक हमने यहाँ पे लेटर्स नाम से क्या बनाया हुआ, अरे लिस्ट बनाई हुई, जो हम लिस्ट इसके अंदर पास कर, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, बॉबल्स एक अगेन लिस्ट बनाई, और इस लेटर वाली जो हम लेटर यहाँ से पास कर रहे हैं, इन बॉबल्स अगर इनमें से कोई भी लेटर मैच करे, देखिए इसमें कंडीशन होती है, डायरेक्ट हम इन कीवर्ड से, हमने पहले भी बताया था, इनसे डायरेक्ट हम इसको कंपेयर कर सकते, अगर इसके अंदर ये लेटर्स मौजूद होंगे जो हमने यहाँ पे बॉबल्स बनाए हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फिल्टर्स फिल्टर्स काउंट बॉबल्स, इसके अंदर हमने काउंट किए, कॉमा लेटर्स, यानी जहां जहां वो लेटर्स मिलेंगे वहां वहां ये ट्रू रिटर्न करके कहां स्टोर कर देगा, इस फिल्टर्स बॉबल्स नाम के जो हमने एक लिस्ट बनाई उसके अंदर ये डाल देगा। अब इससे हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया, फॉर बॉबल्स इन फिल्टर बॉबल्स, जितने भी बॉबल्स इसके अंदर आए उन बॉबल्स को, एक एक बॉबल्स को हमने इसके अंदर प्रिंट करा लिया। तो ये काम हमारा कौन करता है, फिल्टर बॉबल्स काम करता है। देखिए हमने इसके अंदर पास किए पर हमें मिले कितना, ए आई ओ यू, अगर हम यहां से एक हटा भी दें तो हमें कितने मिलने चाहिए, देखिए
अब हमारे पास सिर्फ कितने मिलेंगे, आई ए आई यू, यानी इसके अंदर कितने हैं, ए आई यू। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया बेटा। एक और एग्जांपल देखते फिर क्लियर होगा। ये समझ में आ गया आपके सुमित? यस सर। सर ये बताइए तो दोबारा से लूप लगाना जरूरी था, डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो जाता है? हमने एक एक लेटर को न्यू लाइन पे प्रिंट कराया है, आप एक साथ भी देख लीजिए इसको, ठीक है? तो मतलब सर ये कि यहीं पे जो सर ये फिल्टर्ड वॉवेल है, एक मिनट इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए देखिए डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता अभी आपके सामने, क्या दिक्कत, अभी प्रिंट करा देते हैं। ये चाह रहे हो ना? यस सर, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करना है ना, ट्रू और फॉल्स में। तो इसको अपन क्या किया, यहां से इसको ऑफसेट में एरर देता, जिसे अपन कल बता दे याद करते, अपन क्या लगा देते इसके आगे, लिस्ट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, लिस्ट लगा के लिस्ट करा, ठीक है ना, इस टाइप से। यस सर, अब सही है सर। क्लियर, तो आप जैसे सर वो अगर लिस्ट लगाओ, क्योंकि ये तो लिस्ट के फॉर्मेट में एलिमेंट रिटर्न कर रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट पास कर रहे हैं। yes, sir, तो, और ये अपन को इस फॉर्मेट में चाहिए, नई नई लाइन में। अभी देखिए सिंगल कोट में आ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर दिए, बॉबल्स जितने इसमें आए उतना एक एक करेक्टर ला के हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। क्लियर, ओके सर, यस सर। चलिए अब अपन एक एग्जाम्पल और देखते और क्लियर करते हैं, अपन एक एग्जाम्पल और देखते और क्लियर हो जाए। राइट क्लिक, न्यू फाइल, टैब, सॉरी अपन ने कर दिया फिल्टर, डेमो, ठीक है, क्लोज कर। अब देखिए एक प्रोग्राम अपन ऐसे बनाते हैं कि एक कोई लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ फाइल, अपन नंबर डाल देते हैं और अपन को देखना है कि x less than 18, यानी कोई कंडीशन greater than less than, एक कंडीशन लगा के एलिमेंट्स अपन उससे निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक कंडीशन लगा के एलिमेंट्स को अपन उससे निकालना चाहते हैं, क्लियर? तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिए एक लिस्ट बना लेते हैं, सपोज अपन ने मान लो एज बना ली, एज नाम से लिस्ट बना ली, क्लियर, और इसमें एक एलिमेंट हमने पास कर दी, मान लो दे दिया हमने 7, 8, 6, 17, 18, 91, 71, इस टाइप से एलिमेंट जो भी आपको डालना है वो एलिमेंट्स आप यहां से डाल लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स डाल लीजिए, क्लियर, हमने यहां पे एलिमेंट को डाल लिया, इस टाइप से एलिमेंट कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हैं। अब हमने यहां पे किया डेफ, फंक्शन बनाया डेफ, फंक्शन का नाम दे दिया माई फंक्शन, क्या नाम बना दिया इसके अंदर, माई फंक्शन, और इसके अंदर एक हमने x पास किया, क्या पास किया इसके अंदर, एक x पास किया, और यहां पे कंडीशन दे दी x less than 18, x less than 18, जहां जहां हमें मिले वहां क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न फॉल्स, क्या कर दे, रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न, सॉरी रिटर्न ट्रू, क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न ट्रू। ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया, क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, एक जैसे बना लिया एडल्ट नाम से हमने बना लिया एडल्ट, ठीक है, इक्वल टू हमने यहाँ लगाया फिल्टर, क्या लगाया फिल्टर, फंक्शन नेम क्या हमारे पास, माई फंक्शन। अब यहाँ पे लिस्ट ना पास करके डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, एज, क्या पास कर दिया हमने, एज। अब इस एज में हमारे पास वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जिन एलिमेंट्स को किससे कम हो, किससे कम हो, लेस देन 18, क्लियर। तो अब अपन यहां पे कर डायरेक्ट अगर प्रिंट कराना है तो आप यहां पे कोई तरीका है कि प्रिंट लगा के, ठीक है, लिस्ट करेंगे, लिस्ट करने के बाद आप यहां पे क्या पास कर देंगे, एक तरीका आपके पास ये, इससे भी आप प्रिंट करा सकते हैं, रन, क्लियर, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है अगर लूप से बनाना है तो अगेन आप क्या करेंगे, फॉर ए
इन, कहां तक चलाना आपको, एडल्ट्स तक, कॉलन प्रिंट, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, तो ऐसे भी आप इसको, क्लियर हो गया पॉइंट। इस टाइप से फंक्शंस के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो इस टाइप से आपको करना है सभी को, ये चीज क्लियर हो गई आपको है? यस सर। चलिए अब हम कुछ आज आपसे एक फाइल लेते हैं अपन, स्क्रीन दिख रही ना सभी को? आज हरिओम नहीं, आज हरिओम नहीं जुड़ा क्लास में, क्या बात, हरिओम कहाँ है, आज नहीं है क्या? चलिए कोई बात। अब जैसे अपन आज अपन लोकल वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने एक एक्स इक्वल टू वेरिएबल बनाया यहाँ पे 20, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिया डेफ और फंक्शन का नाम दे दिया फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे दिया हमने, और अगेन हमने एक यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया एक्स इक्वल टू 10, क्या कर दिया एक्स इक्वल टू 10, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया प्रिंट लोकल, क्या दे दिया हमने एक्स, क्या दे दिया लोकल एक्स, क्लियर, ये हमने यहां पे दे दिया। उसके बाद हमें यहां पे फंक्शन को कॉल किया फंक्शन वन, अब हमने यहां पे अगेन प्रिंट किया प्रिंट, और यहां पे हमने कर दिया ग्लोबल, ठीक है। अब इसका अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, जैसे कभी कभी पूछ लेता है लोकल प्रोग्राम और ग्लोबल वेरिएबल कैसे है, तो देखिए हमारे पास जब हमने सेम नाम के दो वेरिएबल, ये एक्स लिया तो जो हमने टॉप पे डिफाइन किया है ये हमारा कैसा वेरिएबल है बेटा, ग्लोबल वेरिएबल, और सेम अगर उसी नाम से हमने एक्स वेरिएबल अंदर डिफाइन किया है तो ये वेरिएबल हमारा कैसा है, लोकल। तो ये अभी यहां तक आपकी कौन सी बॉडी है, फंक्शन की बॉडी। तो हमने आपको बताया था कि हमेशा जो प्रायोरिटी हाई होती है वो किसकी होती है, लोकल वेरिएबल के एक्स। तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिल रही, देखिए 10 मिल रही है, और जैसे इस फंक्शन के बाहर आए तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, आपकी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपका किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब प्रायोरिटी हाई होगी ग्लोबल वेरिएबल, तो आपको यहाँ पे वैल्यू कौन सी मिलेगी, एक्स। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ग्लोबल वेरिएबल वाला, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। यस हाँ, तो इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं और लोकल वेरिएबल यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे भी अपन कर सकते हैं, देखिए एक और हमने यहाँ पे लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक और बनाते हैं अपन, मॉड्यूल्स तो आप लोगों को बता चुका हूं ना मैं, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स डिफाइन करना बता चुका हूं ना सुमित? यस सर। हाँ मॉड्यूल बता चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस अमित, अब अमित से पूछ रहा हूं मैं, बाकी म्यूट कर दिए सभी लोग। अमित पाइथन, यस सर,
पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं? पाइथन में सर इंट फ्लोट कैरे सब तो होते ही हैं। पागल हो क्या, पढ़ते वढ़ते नहीं हो क्या? टाइप्स, ये डेटा टाइप्स पाइथन होते हैं। पाइथन में सिर्फ टू टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप और मुटेबल डेटा टाइप। ना इसलिए प्रॉब्लम आ रहा। तो क्लास शुरू की देखो ना, अगर शुरू क्लास नहीं देखो कैसे करोगे? क्लास नहीं लिए नहीं लिए तो वीडियो पढ़े ना, उनका वीडियो देखो। यस सर स्टार्ट किए हैं अब धीरे धीरे। मालती यस सर अब शुरुआत कर दिए हैं ना। मालती यस सर, लिस्ट के कोई दो फंक्शंस बताओ। अब मैं कुछ देर बाद तुम लोगों को कंट्रोल दिया करूंगा, प्रोग्राम बोलूंगा, प्रोग्राम करके दिखाना पड़ेगा तुमको अपनी सिस्टम से, समझ गए ना? अपनी स्क्रीन को शेयर कराना पड़ेगा, आप लोगों को प्रोग्राम रन कराना पड़ेगा, ध्यान रखना। बहुत दिन तुमने सुन लिया तुम लोगों ने। सुमित, सुमित यस सर, लिस्ट के फंक्शंस बताओ दो। लिस्ट के सर अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, रिमूव हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, तो बहुत सारे फंक्शन। मुस्कान, टपल और लिस्ट में क्या अंतर है? हाँ मुस्कान बोलो, टपल और लिस्ट में क्या अंतर है? हाँ नई आवाज आ रही, अब आवाज थोड़ा आएगी। तौसीफ बोलो, टपल और लिस्ट में क्या अंतर है? सर पढ़े नहीं है सर। अब की बार जब भी पाइथन का सेशन होगा तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट पहले डिस्कशन होगा, फिर आगे चलेंगे अपन। ओके सर। सभी लोग पढ़ के और सभी लोग पढ़ के वीडियो तैयार करना, अपने पुराने जितने वीडियो आपने दे दिए हैं, हमने दे दिया है, नोट्स आपको सभी दे चुके हैं, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, हिंदी इंग्लिश दोनों नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। आप लोग को तैयारी रखिए, एग्जाम 22 तारीख से एग्जाम होंगे, 22 फरवरी से। अभी आज कितना हो गया, आज 21 है ना, 1 मंथ बाद, 1 मंथ, अभी सेक्शनल एग्जामिनेशन भी होने हैं आपके। सेशनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, असाइनमेंट दे दिए, पर मेन एग्जाम होंगे ही होंगे, ध्यान रखना। और असाइनमेंट दे दिए तो क्या नंबर, असाइनमेंट पर नंबर मिल जाएगा? मैं पूछूंगा ना, वाइवा होगा ना उसका। मुझको 5 यूनिट चाहिए अपने सब्जेक्ट में तैयार, आप लोग ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर।